सी एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज भी ज्वाइन इन सीरीज। अब हम लोग के पास थ्री कैपेसिटर है, हर एक की कैपेसिटी सी है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, वह वोल्टेज जिस पे डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से ब्रेक न हो जाए, आयंस में न कन्वर्ट हो जाए। सिंपल बात करो, मैक्सिमम वोल्टेज जो कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा सकता है। द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन, आसान क्वेश्चन है ये। अब देखो थ्री कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर ये 1 2 3, जब इन तीनों को जोड़ोगे तो प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करिए तो एक नया कैपेसिटर मिलेगा। ये वाला तीनों को जोड़ने के बाद एक नया कैपेसिटर मिला, थ्री इसकी कैपेसिटी सी है, सी है, सी है, तो जब सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होती है, सी अपन एन होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा तीन है तो सी बाई थ्री आ जाएगा। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसके अक्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वी है, तो इसके अक्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो वी डैश हो गया। तो ये तो क्लियर है कि कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी सी बाई थ्री होगा, मतलब ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो वी सही है या तो डी सही है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी डैश निकाल सकते हो, क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी, तो वी की वैल्यू क्यू बाई सी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट इसके अक्रॉस लगा दो, तो इसके अक्रॉस लगा दूं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी डैश, बिकॉज जो चार्ज है वो सेम रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर एक पे सेम रहेगा कंबाइंड करने के बाद भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू और सी डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ से सी बाई थ्री है, तो थ्री ऊपर चला गया और थ्री भी, मतलब पोटेंशियल जो है थ्री टाइम्स इक्वल हो जाए, थ्री टाइम्स के बराबर हो जाएगा और कैपेसिटी थ्री टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन सही है, ये गलत है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो और